परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्ते महाराज जी। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ने नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। आप हमारे लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, किंतु उसके लिए तो रोटियां चली गई। पुलवामा में जो घटना हुई महाराज जी, आतंकवादियों की कायराना हरकत, उस पर पूरा देश दुख से व्याकुल है। ऐसे में राष्ट्र के नाम आपका संदेश देना चाहूंगा महाराज जी, कि इसमें भी एक दो देश हमारे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन बाकी देशों ने जरूर इसकी भर्त्सना की है। नमस्कार। देखिए, पुलवामा की जो घटना है, मुझे तो आज पता चला, जो भी घटना है अत्यंत निंदनीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जा सके उतना कम है। वस्तुतः ये कायरतापूर्ण हरकत है। आतंकवाद को दिनों दिन बढ़ावा मिल रहा है और उसका ये परिणाम है। ऐसी घटनाओं का सामना पूरे देश को एकजुट होकर के करना चाहिए, और मैं समझता हूँ सारा देश ऐसे मौके पर एक होता है, और देश क्या आज तो विश्व एक हो रहा है। जिन लोगों ने भी एक कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय कृत्य है, पर हमें चाहिए कि सब लोग मिलकर डटकर इसका मुकाबला करें, इसमें किसी तरह की राजनीति हावी न हो, सारे भेदभाव मिल भुलाकर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की भावना से जुड़ करके जब लोग कुछ करेंगे, तो हम आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से अपने आप को बचा सकेंगे। आजकल लोगों ने इस तरह का जो कृत्य किया है, कई लोगों ने मुझे कहा महाराज इसे एक प्रकार का छद्म युद्ध की संज्ञा दी गई है, ये बिल्कुल अनुचित है। भारत की संस्कृति में इसे कतई स्वीकार नहीं किया गया। हमने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमने हमेशा रक्षात्मक कार्य किए, लेकिन इस तरह के छद्म आक्रमण जितनी निंदा की जा सके उतना कम है। जहाँ तक इस आक्रमण और आक्रमण की बात के स्टेप की बात है, मैं समझता हूँ वो मेरी भूमिका से बाहर की बात है, मैं उस विषय में तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इतना जरूर सबसे कहूँगा कि हम सब ऐसी प्रार्थना करें, भावना भाए, कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया, बलिदान दिया, वे जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। सदगति के तो वो पात्र हैं ही, पर उनके साथ शांति भी बनी रहे, वे शांति के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं, उनको शांति मिले, और साथ में जो लोग घायल हैं वे लोग भी स्वस्थ हो, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले सके, और उनकी परिवार के लोगों को आप सबकी सहानुभूति होनी चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं, सारा देश उनके साथ है। ये संबल आपको उनके लिए देना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो आने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी, और ये हमारा कर्तव्य भी है। आज हम आप इतनी शांति से बैठकर अपना काम कर रहे हैं, ये सब उन सैनिकों के परिणाम स्वरूप है जो अपनी जान को जान पर खेलकर हमारी सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। तो हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, और उन लोगों के लिए अपना जो उत्कृष्ट है वो अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए।